Dear students, welcome to Lakshya Academy. Myself Mohit Garg and welcome to you the platform of the Lakshya Academy. Dear students, now we are going to start a new chapter 12th area related to a circle. जो कि क्लास 10th का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है. आज हम 12th चैप्टर क्लास 10th के एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको सबसे पहले कंटेंट बता देता हूं कि हम इस चैप्टर से क्या क्या रीड करने वाले हैं. तो सबसे पहले बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ दिस सर्कल्स सर्कल. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मूलाज ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. फिर सेकंड पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल्स. फिर थर्ड हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स. फिर फोर्थ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल्स. उसके बाद थर्ड नंबर पे हम एरिया एनक्लोज बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल. आप देखेंगे कि टू कंसेंट्रिक सर्कल का फार्मूला क्या होता है. उसके बाद रिमेंबर सम पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स, सर्कल के कुछ रिमेंबर पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद डिस्टेंस मूव बाय ए व्हील, डिस्टेंस कैसे मूव करता है व्हील के थ्रू. फिर सिक्स नंबर पे एंगल डिस्क्राइब बाय द हैंड ऑफ ए क्लॉक, एंगल डिस्क्राइब कैसे होता है क्लॉक के द्वारा वो हम देखेंगे. उसके बाद सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है इसके बारे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फिर हम करेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क, फिर हम करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. उसके बाद हम सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इसका एट पार्ट है. उससे इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट्स. फिर उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के तीन फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इसके फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट वन हम 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे वन बाय वन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट. मैं इन 11 क्वेश्चन को दो वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करूंगा और ये जो ऊपर वाले 8 पार्ट हैं ये बेसिक्स है इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ आने चाहिए स्टूडेंट. इन एवली वीडियोस के अंदर आप बेसिक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं बेसिक करवाने जा रहा हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर का, जिसका सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ सर्कल. आइए स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ सर्कल. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पर आ चुका है चैप्टर 12th एरिया रिलेटेड टू द सर्कल बेसिक फार्मूलाज. सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ द सर्कल. क्या कहता है सर्कल, ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. The fixed point is called the center and the given constant distance is the length of radius of the circle. सर्कल की डेफिनेशन कहते हैं स्टूडेंट कि इसमें एक लोकस पॉइंट्स होते हैं जो मूव करते हैं प्लेन के थ्रू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. ये कहता है कि एक पॉइंट फिक्स है, मान लीजिए एक ओ पॉइंट है वो फिक्स है और ये जो पॉइंट हम मूव कर रहे हैं और इनका जो डिस्टेंस है हर पॉइंट का, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है. इन सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है. अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं तो अपने पास क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा. ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक इनको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. मींस ओ इज द फिक्स पॉइंट एंड फिक्स डिस्टेंस इज आर, आर मतलब रेडियस. तो स्टूडेंट आपने देखा सर्कल की डेफिनेशन क्या है, ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन दी सेम. एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस से जितने अपने चारों तरफ अपने केक लगाते हैं तो इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो एक बनता है वो फिगर, वो जो बनती है फिगर वो क्या बनती है सर्कल. नाउ हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं फोर फार्मूलाज. सबसे पहला फार्मूला आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस को हम पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट. क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर. सर्कमफ्रेंस को हम पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं. तो सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का जो फार्मूला होता है मींस सर्कमफ्रेंस मींस ये जो बाहर वाली बाउंड्री है मींस पेरीमीटर बाउंड्री, ये बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं स्टूडेंट. ये जो बाउंड्री होती है सर्कमफ्रेंस के सर्कल की वो होती है 2πr या आप इसको पाई डी भी लिख सकते हो. मींस वेयर डी की जो वैल्यू होती है, डी मींस डायमीटर ऑफ द सर्कल, डी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2r. मीन डी इज इक्वल टू आर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सर्कल का जो डायमीटर होता है स्टूडेंट वो सेंटर से पास होता है स्टूडेंट. मतलब ये जो पॉइंट लाइन होगी यहां से ऐसे बिल्कुल सीधी जो सेंटर से पास करती है स्टूडेंट उसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल. उसके बाद सेकंड फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर. उसके बाद हम फार्मूला पढ़ेंगे स्टूडेंट एरिया ऑफ सेमी सर्कल. एरिया ऑफ सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ पार्ट.
सर्कल का हाफ पार्ट का होता है, मतलब सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ कर दोगे तो आकर बन जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय टू। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि सर्कल को फोर पार्ट में डिवाइड करना। मीन्स आप मान लीजिए दो डायमीटर लेता हूं मैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है स्टूडेंट इस सर्कल का चौथा हिस्सा, मींस ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है और ये एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 के। मींस क्वाड्रेंट का मतलब चौथा हिस्सा, मींस एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ चौथा हिस्सा, मींस इसका चौथा हिस्सा को वाई क्या कर दोगे 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो स्टूडेंट आपने चार फार्मूले देखे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर या पाई डी। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4। उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब हम थर्ड फार्मूला देखते हैं स्टूडेंट, क्या कहता है, एरिया इंक्लोज बाई टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका एक ही कॉमन एक ही सेंटर पॉइंट होता है स्टूडेंट। मान लीजिए एक सेंटर पॉइंट है, ये स्मॉल सर्कल और ये बिग सर्कल, तो इनका ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये पार्ट हमने निकालना है, इस बीच वाले पार्ट को हम सर्कुलर पाथ भी कहते हैं। तो स्टूडेंट क्या कहता है, इफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आर द रेडाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मींस जो कैपिटल आर है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है और ये स्मॉल आर है वो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। तो स्टूडेंट देन एरिया ऑफ इंक्लोज बाई टू सर्कल, तो ये जो इंक्लोज एरिया है स्टूडेंट ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट, कि आप क्या करोगे बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल को अगर मैं माइनस कर दूं, मींस ये बड़े वाले सर्कल में से ये छोटा सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो आपके पास ये वाला पार्ट रह जाएगा। तो स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर में से छोटा पाई आर स्क्वायर क्या कर दोगे माइनस, तो इन दोनों में से पाई कॉमन आ गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो स्टूडेंट जब भी आपने टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया निकालना हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला ले सकते हो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये था थर्ड फार्मूला, उसके बाद हम फोर्थ फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फोर्थ फार्मूला क्या, फोर्थ क्या कहता है स्टूडेंट, रिमेंबर सम पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, कुछ पॉइंट्स हैं सर्कल के, वो क्या कहता है कि फर्स्ट पॉइंट कहता है इफ टू सर्कल टच इंटरनली, अगर दो सर्कल टच करते हैं अंदर की तरफ, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई। मींस अगर इन दोनों, मान लीजिए बड़ा सर्कल है ये छोटा सर्कल है जो अंदर टच कर रहा है सर्कल के, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा स्टूडेंट, मींस ओ ओ डैश मींस कैसे निकलेगा स्टूडेंट, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर मींस डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई, दोनों के रेडियस का डिफरेंस, तो ये निकलता है इस तरीके से। मतलब सेंटर का अगर आपने डिफरेंस निकालना है, अगर वो इंटरनली टच करते हो तो फार्मूला आता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर स्टूडेंट ये इंटरनली था, अगर एक्सटर्नली टच करते हो कि इफ टू सर्कल टच एक्सटर्नली देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडाई, इंटरनली करते हैं तो माइनस करते हैं डिफरेंस लेते हैं, अगर एक्सटर्नली करते हैं तो इनका क्या करेंगे सम लेंगे। मीन्स अगर दो सर्कल आपको एक्सटर्नली टच करते हैं तो मीन दोनों का जो डिस्टेंस होगा सेंटर का, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अगर इंटरनली टच करते हैं तो दोनों का सेंटर का डिस्टेंस जो लेंगे वो दोनों का रेडियस का माइनस लेंगे डिफरेंस लेंगे, अगर दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं तो क्या लोगे आप उनका सम लोगे। उसके बाद हम फिफ्थ फार्मूला डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद फार्मूला आता है के बाद डिस्टेंस मूव बाय व्हील, कि एक व्हील के द्वारा डिस्टेंस कैसे मूव करता है, कैसे डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं। क्या कहता है कि डिस्टेंस मूव, पहला पॉइंट क्या कहता है, दी डिस्टेंस मूव बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। जब एक व्हील घूमता है तो उसका जो एक पहिया होता है, मतलब एक जो सर्कल होता है वो एक सर्कल की शेप लेता है। मान लीजिए एक चक्का जो है वो ऐसे घुमा और एक सर्कल उसने ऐसे पूरा किया, तो ये जो शेप बनी वो किसकी बनी, सर्कल की। मीन्स द डिस्टेंस मूव बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन, कि एक व्हील का जो रेवोल्यूशन होता है वो इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्म होता है 2 पाई आर। मीन्स एक रेवोल्यूशन जो होता है व्हील का वो क्या होता है 2 पाई आर। अगर आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हो कि वो चक्का कितनी बार घुमा, तो कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन वन मिनट, क्योंकि आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना हो कि एक मिनट में कितने बार निकला, तो उसका फॉर्म होता है डिस्टेंस मूव्ड इन वन मिनट अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ये फार्मूला स्टूडेंट्स इस
फार्मूला को आप अच्छे ढंग से देखना, कहता है डिस्टेंस मोड बाय डिस्टेंस मूव्ड इन वन मिनट अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो स्टूडेंट ये आपके पास था फिफ्थ फार्मूला, आपने इसको रीड किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्स्थ फार्मूला जो कि आपके पास आने वाला है स्क्रीन के ऊपर। देखिए स्टूडेंट आगे बस स्क्रीन पर आ चुका है, एंगल डिस्क्राइब बाय द हैंड ऑफ ए क्लॉक। एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं क्लॉक के थ्रू बाय हैंड। तो इसके तीन दो फार्मूले स्टूडेंट कैसे दिखते हैं, सबसे पहले मैं आपको मिनट के थ्रू बताता हूं कि एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड। अगर आपने एंगल डिस्क्राइब करना है मिनट हैंड के थ्रू, अगर मिनट वाली सुई, अगर आपको पता है कि अगर एक मिनट वाली सुई अगर घूमती है 60 मिनट के अंदर तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। तो अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी तो वन मिनट में कितना बनाएंगे, 360/60। इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। मींस एक मिनट के अंदर जो एंगल बनता है मिनट हैंड के द्वारा वो कितने डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का। तो मींस आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, 10 मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 6 डिग्री इन वन मिनट। मिनट हैंड के द्वारा एक मिनट के अंदर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का बनता है। अगर मान लो आपने 5 मिनट का आपने एंगल निकालना है तो 6 × 5 30 डिग्री आ जाएगा। अगर आपने 10 मिनट का निकालना है तो 6 × 10 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आपने एंगल को फाइंड करना है। अगर आपको आवर एंड दिया हो, एंगल डिस्क्राइब बाय आवर एंड, आवर एंड मतलब घंटे वाली सुई। अगर घंटे वाली सुई आपको पता है कि 12 घंटों के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का। 12 घंटों में 360 डिग्री एंगल बनाती है तो एक घंटे में कितने बनाएगी, 360/12 मतलब 30 डिग्री का। मींस एक घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो घंटे वाली जो सुई होती है आवर एंड वाली वो एक मिनट में कितना बनाएगी, मींस एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो एक मिनट में 30/60। तो इसको कैंसिल कर दोगे मित्र, 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगी। मींस आवर एंड की वाली जो सुई होती है, घंटे वाली जो सुई होती है वो एक मिनट के अंदर 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है, और मिनट हैंड वाली जो सुई होती है वो एक मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपने देखा कि एंगल डिस्क्राइब कैसे होता है क्लॉक के द्वारा। तो आप मैंने आपको बता दिया है कि मिनट हैंड के द्वारा एक मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनता है, और आवर एंड के द्वारा एक डिग्री के अंदर एक मिनट के अंदर 1/2 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ जो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, इस पार्ट को आप ढंग से सुनना। इसी सेवंथ और एट्थ फार्मूले से सारी चैप्टर के क्वेश्चन इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इसको ढंग से समझना स्टूडेंट। कहता है कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है। स्टूडेंट सेक्टर जो होता है वो दो रेडियस से मिलकर बनता है। स्टूडेंट कैसे बनता है कि जो सेक्टर होता है वो दो रेडियस के बीच वाला जो पार्ट होता है उससे बनता है। जो ये वाला पार्ट होता है मींस ए बी से जो बना सेक्टर, ए ओ बी से ये जो सेक्टर बना वो उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो ए क्यू बी से बना आपके पास ऊपर वाला जो सेक्टर बना ये वाला ऊपर वाला इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मींस स्टूडेंट अगर आप ए पी बी आर से देखोगे ये वाला तो ये माइनर सेक्टर, और ऊपर से देखोगे तो आपके पास ये वाला एंगल बनेगा तो ये मेजर सेक्टर। तो आपको पता होना सेक्टर कैसे बनता है, द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय द टू रेडियाई एंड द कोरस्पोंडिंग आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्कल। मतलब दो रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं हम सेक्टर ऑफ द सर्कल। इन एडजेसेंट फिगर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी ये दिस इज ए माइनर सेक्टर, एंड ओ बी क्यू ए ये ऊपर वाला जो पार्ट है स्टूडेंट इसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। तो आपको स्टूडेंट आपको फार्मूला निकालना सिखाता हूँ, या तो आपके पास आ जाए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है फार्मूला। आपके पास क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो स्टूडेंट मेजर सेक्टर भी पूछा होगा तो आपको स्पेशली डिफाइंड किया होगा कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपने निकालना है फाइंड करना है। अगर आपको कुछ भी लिखा हुआ कि माइनर और मेजर तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर लिखा हुआ है तो इसमें होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है स्टूडेंट, ये जो एंगल होता है पूरे डिग्री का, पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360। तो थीटा अपॉन 360 से डिवाइड कर दोगे इनटू पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब आपने इतना इतना पार्ट निकालना है ये पूरे सर्कल का, ये वाला एंगल्स के एंगल और पार्ट निकालना आपने इससे, ये वाला एंगल इस एंगल से ये वाला पार्ट कितना बनता है, तो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। या फिर आप एक फार्मूला और होता है एरिया लेंथ, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का 1/2 इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है मीन्स ए बी की वैल्यू गिवन है आपके पास, ए पी बी की वैल्यू गिवन आपके पास, तो स्टूडेंट अगर आप उन्हें लेंथ पता है रेडियस पता है तो आप सीधा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्म लगा सकते हो, 1/2 लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस, मतलब 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये भी आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का आप फार्मूला यूज कर सकते हो।
तो स्टूडेंट दो फार्मूले हैं, मोस्टली हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको लेंथ भी पता है, रेडियस भी पता है, तो स्टूडेंट आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपने देखा कि एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ मैनर सेक्टर के दो फार्मूले बन गए, एक ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। उसके हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला होता है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ एन आर्क का मतलब होता है कि जो उसका सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, मीन्स आपने ये निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी हो अगर आपने, मीन्स पूरे सर्कमफ्रेंस का इतना पार्ट चाहिए आपको, ठीक है स्टूडेंट। ये जो पार्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, पूरे एंगल 360 का होता है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसके थ्रू थीटा अपॉन 360 इंटू पूरा जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मीन्स आपने पूरी सर्कमफ्रेंस का इतना इतना पार्ट निकालना है, तो फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, आप पूरे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, आपको पूरा एंगल लेना तो 360 लेना होगा। अगर आपने इतना सा पार्ट निकालना है तो आप क्या लोगे, जो भी एंगल होगा उसको 360 से डिवाइड करके इंटू 2 पाई आर कर दोगे। तो स्टूडेंट ये होता है लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब स्टूडेंट ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर आपने निकालना हो तो मतलब आपको ये वाला एंगल मान लो 60 डिग्री दिया हुआ, तो ऊपर वाला एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने को ऊपर वाला एंगल चाहिए। अगर 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 300 डिग्री का। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे जो वैल्यू लोगे वो 300 डिग्री की लोगे थीटा की वैल्यू। तो देखो ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से, अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं नीचे वाला, मतलब एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस कर दूं, तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा स्टूडेंट। तो आपने याद करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। मीन स्टूडेंट ये सर्कल है, आपने मेजर सेक्टर निकालना है, अगर मैं इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो आपके पास कौन सा पार्ट रह जाएगा, ये वाला पार्ट। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने फार्मूला याद करना है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपने सीधा ऐसे फार्मूला यूज करना है तो आप सीधा भी फार्मूला यूज कर सकते हो, या आप इन दोनों में से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। या स्टूडेंट आप एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लो, फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बाद में निकाल लो, फिर इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इस तरीके से आप मेजर ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हो, या आप इनको सीधा डायरेक्ट फार्मूला लेके आप इसको यूज कर सकते हो। ये तो था आपने पास सेक्टर, जो मैंने आपको तीन फार्मूले बताए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, फिर मैंने बताया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए आपको स्पेशली बताया, पूछेगा कि फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, लेकिन माइनर सेक्टर के लिए आपको स्पेशली बोलेगा नहीं, वो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर मींस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात की गई है। तो स्टूडेंट लास्ट में आपके पास आता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होती है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि जो सेक्टर होता है वो दो रेडियस के बीच का बनता है। अब आती है सेगमेंट, सेगमेंट जो बनता है स्टूडेंट सर्कल का वो कैसे बनता है, एक कोण के बीच का बनता है। मतलब ये जो कोण होती है स्टूडेंट, इस कोण का जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है सेगमेंट। मतलब ये जो छोटा पार्ट होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स क्या कहती है डेफिनेशन, द पोर्शन और पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन एनक्लोज बिटवीन ए कोर्ड एंड द कोरस्पोंडिंग आर इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मीन्स जो कोर्ड से जो सेगमेंट बनता है, कोर्ड से क्या बनता है, सेगमेंट, और दो रेडियस से, टू रेडियस से क्या बनता है, सेक्टर। सेक्टर जो बनता है वो टू रेडियस से बनता है, सेगमेंट जो बनता है वो कोर्ड से बनता है। कोर्ड से जो बिटवीन जो दो एरिया होता है वो क्या होता है, सेगमेंट होता है। ये जो छोटा पार्ट होता है उसको माइनस सेगमेंट बोलते हैं, जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसके भी तीन फार्मूले हैं, दो फार्मूले हैं, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कैसे निकालते हैं। मान लो स्टूडेंट आपको ये वाला पार्ट निकालना है आपको, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसको ओ को ए से ज्वाइन कर देना है, ओ को बी से ज्वाइन कर देना है। तो स्टूडेंट आपको देखो कि ओ ए पी बी आपके पास क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। क्या बन गया आपके पास स्टूडेंट, सेक्टर। मतलब आप क्या करो स्टूडेंट, ये वाले पार्ट का माइनस सेक्टर का एरिया निकाल लो, और इस माइनस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, एंड ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी माइनस कर दूं, तो आपके पास कौन सा पार्ट रह जाएगा, ये वाला सेगमेंट वाला पार्ट रह जाएगा। तो स्टूडेंट आपको फार्मूला याद हो गया कि एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी।
तो इस तरीके से आपने फार्मूला याद करना है स्टूडेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला आप डायग्राम के थ्रू याद कर सकते हो स्टूडेंट, कि क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो स्टूडेंट अगर मैं इस पूरे सेक्टर के में से, ये इस माइनर सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो आगे पास कौन सा पार्ट रह जाएगा, ये सेगमेंट वाला पार्ट रह जाएगा। तो स्टूडेंट फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला होता है। तीन फार्मूले होते हैं, मैं आपको तीन फार्मूले बताता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल के। सबसे पहला फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अगर आपको थीटा गिवन दिया हो तो आप सीधा फार्मूला यूज कर सकते हो, आर स्क्वायर बाय टू इंटू साइन थीटा बाय टू इंटू कोस थीटा बाय टू। अगर मान लो आपको एंगल दिया 120 डिग्री का, तो मीन्स साइन 120 बाय टू मतलब साइन 60 डिग्री, और इधर कोस 120 बाय टू मतलब कोस 60 डिग्री। और आपको आर की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 10 20 15 7 कुछ मर्जी हो, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, सोल्व करोगे, साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री वैल्यू आप उस वैल्यू टेबल के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर वैल्यू देख के पुट कर दो, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके स्टूडेंट आपने क्या करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी बी। तो स्टूडेंट आपने देखा कि अब उसके बाद अगर मान लो एक फार्मूला को मैंने बता दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, उसके बाद अगर आपको ये जो ट्रायंगल दी हो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की दी हो, कि आपको कहा गया हो कि ओ ए पी बी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको फार्मूला पता है रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल दिया हो, तो आपने कैसे निकालना है स्टूडेंट, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें बेस और हाइट आपके पास यही रहेगी, ओ ए बेस हो जाएगा, ओ बी आपके पास क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मतलब जो आर की वैल्यू होगी वही बेस होगी, वही ही आपकी हाइट होगी। तो आप इन तीनों फार्मूले में से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इस यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करके सोल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब ए तो थी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात, अब आता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या कहता है स्टूडेंट, अगर मैं मतलब कैसे करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं मान लीजिए पूरे सर्कल में से ये वाला जो पार्ट है सेगमेंट वाला, माइनस सेगमेंट वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर दूं, पूरे एरिया के सर्कल में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, तो आपके पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, ऊपर वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है इस फार्मूले से, फिर आपने निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, फिर एरिया ऑफ सर्कल में से इसकी वैल्यू को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस आर स्क्वायर इन साइन थीटा बाय टू इंटू कोस थीटा बाय टू प्लस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने इस तरीके से करना है, मैं अगर ये माइनस का हो जाएगा बाहर माइनस लेता हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का। तो स्टूडेंट आपने इस तरीके से आपने इसको को करना है, मीन स्टूडेंट अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है स्टूडेंट, मैं आपको दोबारा से लिखता हूँ ये फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय टू इंटू कोस थीटा बाय टू। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर माइनस, ये माइनस की टर्म हो जाएगी, तो ये लिख दिया माइनस का थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय टू इंटू कोस थीटा बाय टू। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला है, अगर आपको एंगल बड़ा दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, अगर इक्वली ट्रायंगल दिया हो तो ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, अगर आपको राइट एंगल दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर आपने निकालना हो, तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद आपने करना है एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की वैल्यू क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये आठ फार्मूले जो आपने डिस्कस किए मेरे साथ, जो आपने इस वीडियो में देखा, ये जो आठ चीज़ें हैं ये इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इन आठों चीज़ों को आप अच्छे ढंग से रिवाइज करना, समझना इन चीज़ों को, क्योंकि इन्हीं चीज़ पे बेस पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो बात है वो सेवन्थ और एट्थ जो फार्मूला आगे पास सेक्टर ऑफ द सर्कल और सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये पूरे चैप्टर के अंदर यूज होने हैं स्टूडेंट। इन वो अच्छे ढंग से आप देखना, मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार क्या क्या हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखो डिस्कस किया था स्टूडेंट कि डेफिनेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, उसके बाद हमने किया था इनके चार फार्मूले, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला हमने रीड किया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल का फार्मूला आपने रीड किया।
फिर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला हमने रीड किया। उसके बाद मैंने दो रिमेंबर पॉइंट बताए थे, एक इंटरनली टच करता हो सर्कल और एक एक्सटर्नली टच करता हो, उसके बारे में डिस्कस किया था। और डिस्टेंस बताया था मूव्ड मूव्ड बाय ए व्हील, कि आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या आता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था एंगल डिस्क्राइब कैसे करते हैं हैंड ऑफ ए क्लॉक बाय, मैंने आपको दो तरीके बताए थे इसके, एक मिनट हैंड के द्वारा और एक आवर हैंड के द्वारा कैसे एंगल को फाइंड किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया सेक्टर ऑफ ए सर्कल, इसके मैंने तीन फार्मूले बताए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और इसके में भी मैंने आपके साथ तीन चीजों के बारे में डिस्कस किया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको तीन फार्मूले बताए, फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के बारे में आपको बताया। तो लास्ट नाउ स्टूडेंट, अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व बाय वन, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी मैं इन 11 क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। एनी टाइप को आप अच्छे ढंग से रिविजन करके जाना स्टूडेंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है लास्ट टेंथ के अंदर बोर्ड में वाले क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से रिवाइज करना। सबसे पहले जो मैंने ये वीडियो बनाई है, इन वीडियो को ये जो बेसिक जो मैंने फार्मूले बताए हैं आपको उसको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आपके पास ये जो सारे क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा वही क्वेश्चन इन्हीं बेसिक फार्मूले से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन में क्लिक कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि आपको समय समय पर CBSE से रिलेटेड और मैथ्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। सो स्टूडेंट, लक्ष्य अकेडमी से मिस्टर मोहित कर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।